गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 15 जनवरी, तो मेरे बाल इस साइड से अलग बने, इस साइड से अलग। वाओ, व्हाट अ बिग डील। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर शॉपिंग करने के लिए, डे टू फॉर शॉपिंग। तो चलिए चलते हैं सरोजनी, जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आज है। चलो फिर चलेंगे सरोजनी एंड आपको लेके जाते हैं सरोजनी, लेट्स गो। ये पापा ने नहीं लिया इसका टोकन, ये बोल रही है इसके टोकन ले लीजिए। देख सही है, कतई एयरपोर्ट लोग हैं। पहुंच गए अंदर, कॉइन प्लेटफॉर्म की ओर। गाइस, विश्वविद्यालय से हुड्डा सिटी की ओर ले अगर मेट्रो जाना है तो। हम आए हैं अभी, कहाँ आए हैं हम अभी कहाँ पर आए हैं? INA मार्केट है ना, आपको पिंक लाइन का ना पता होता, ये पिंक पैर आपको ले जाएंगे। अरे ये सही बता रही हूँ, किसी को पता ही नहीं लगेगा कहाँ है। तो वो येलो लाइन ले जा रही है, देखो वो येलो लाइन में जा रही है, ये पिंक लाइन जा रहा है। क्या था सर? वाह, मंजिल 500 के बाद गेट नंबर 1 पे सरोजनी नगर। वाह गाइस, यहाँ आने का तो मेरा मोटिव था, दिल्ली। सो गाइज, मैं भी पहुंच ही गई सरोजनी नगर मार्केट। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हमको मिलेंगे ये बैग, जो कि 60-70 रुपये में मिल जाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है सरोजनी में आप आए हैं तो। उसके बाद दिखे हैं ये सरारा, तो ये हमको 1200 रुपये की रेंज में बोला था उन्होंने, बट आप उससे बार्गेन कर सकते हैं उनसे। फिर उसके बाद मिली ये कुर्ती की सेल थी, 280 रुपीज़ में कोई भी कुर्ती थी, समर की कुर्तियाँ। फिर उसके बाद हमें मिली ये सिल्वर ज्वेलरी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसमें से कोई भी 150 रुपीज़ की थी। एंड उसके बाद ये क्यूट से सिंदूरदान थे, जिसमें कि 3 पीस थे, मतलब एक सबसे बड़ा था, फिर उसके अंदर एक छोटा था, फिर उसके बाद उससे भी छोटा एक मिनी बॉक्स था। तो बहुत ही क्यूट थे ये, अलग अलग रंग में, बहुत सारे रंग में थे, और बहुत ही प्यारे डेकोरेट हुए थे। ये 150 के 3 थे। फिर उसके बाद सिल्वर रिंग्स थी, बहुत ही प्यारी प्यारी, ये 50 रुपीज़ में मिली थी कोई भी। और ये जो ब्रेसलेट्स थे वो अलग अलग टाइप्स के थे यहाँ पे, तो ये ब्रेसलेट 150 रुपीज़ में मिल रहे थे, और दिखने में बहुत ही प्यारे थे, मतलब इन्हें देख छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ही क्यूट थे दिखने में, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमको मिला ये 150 रुपीज़ का एक स्टॉल, जिसमें बॉयज़ वेयर थे, टी शर्ट थी फुल, 150 रुपीज़ में कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं, तो हमने जस्ट ऐसे ही चेकआउट किया था। आगे जब हम बढ़े तो हमको मिला क्यूट सी क्लिप, बहुत ही सुंदर सुंदर क्लिप थे, 50 रुपीज़ में कोई भी ले सकते थे हम। फिर उसके बाद हमें एक 250 रुपीज़ का स्टॉल मिला, उसमें हम लोगों को मिले ये ट्राउज़र, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ट्राउज़र थे वहाँ पे, तो उसमें से मुझे एक दो ट्राउज़र पसंद भी आए थे, जैसे ये लेवेंडर कलर का ट्राउज़र आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो मैंने वो भी चेकआउट किया था, बट थोड़ा सा साइज़ बड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इनमें सिर्फ आगे से कुछ डिज़ाइन का डिफरेंस था, बाकी ट्राउज़र सब सेम थे, और कुछ ट्राउज़र थे जो कि वैरायटी में थोड़ा चेंज थे उनमें, जैसे ये प्लेन कपड़े का ट्राउज़र है, एंड पीछे वाला जो ट्राउज़र है उसमें लाइन लाइन बनी थी, एंड काफ़ी लेंथी था, मुझे पसंद तो आया था बट वो काफ़ी लेंथ थी उसकी। तो फिर हम आगे बढ़े, हमको मिली ये टी शर्ट्स, ये 250 रुपीज़ में टी शर्ट्स थी, बहुत प्यारी प्यारी कलर की। उसके बाद ये एयरिंग मिले, ये 50 रुपीज़ की एयरिंग थे, और हमने भैया से बार्गेन करके लिए थे कुछ, तो मतलब उन्होंने हमें 50 किया था, वरना वो 70 रुपीज़ के थे। तो आगे चल के हमको एक 150 रुपीज़ का स्टॉल मिला, जिसमें कि बहुत सारे आउटर थे, ये नेट वाले आउटर थे, एंड टी शर्ट्स थी नेट वाली 150 रुपीज़ में, बहुत सारे कलर थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के आउटर यहाँ पे हमको मिले थे 150 रुपीज़ में। आगे हम बढ़े तो एक एथनिक वेयर की शॉप थी यहाँ पे, 1500 से प्लाजो स्टार्ट थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे लहंगे थे। एंड आगे 150 रुपीज़ का एक स्टॉल मिला, जिसमें पैंट्स थी, फॉर्मल पैंट थी, एंड
कैजुअल पैंट थी, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पैंट्स थी। बस ये था कि हम लोगों को उसमें बस ये चेक करना है कि मतलब कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वरना तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी थी। एंड भैया से प्रॉपर साइज़ वो करके हमने दो पैंट ली हुई थी 28 साइज़ की। एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो मेरे लिए भी, मैंने अपनी फ्रेंड से मंगाई थी, वो बड़ी लेकर आ गई। मतलब ले तो आई, वो दिखने में तो बहुत सुंदर है बट वेयर करने में वो साइज़ ही पता नहीं कौन सा है, वो मुझे आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए भैया से मांग लो 28 साइज़ का, वो आपको दे देंगे। तो दोस्तों हम फिर आगे बढ़े, हम लोगों को एक स्टॉल मिला 150 रुपीज़ का। इसमें हमारे वुलन टॉप और कार्डिगन थे 150 रुपीज़ में, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट टॉप भी थे एंड कार्डिगन भी थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ उसमें आपको सर्च करना है। उसमें से हमको एक पसंद भी आया था वुलन टॉप, तो वो हमने रखा भी था। और मतलब बहुत सारी वैरायटी थी इसमें 150 रुपीज़ में, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी। और फिर उसमें से हमने एक दो चेकआउट किए थे फिर उसके बाद, लेकिन एक एक ही सेलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हो, बट आपको बस ये चेक करना है कि क्वालिटी वगैरह सब श्योर करके फिर उसको लेना है, क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट भी हो सकता है, तो उसको ध्यान से देखना है सभी चीज़ों को। फिर हम आगे बढ़े, हमको मिला 200 का एक स्टॉल जिसमें कि विंटर जैकेट्स थी डिफरेंट कलर की, 200 रुपीज़ की, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी काफ़ी, बट थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए हमने उसे नहीं लिया। फिर हम आगे बढ़े, ये हमको 200 में एक टॉप दिखा था, मतलब एक ड्रेस टाइप की थी ये, 200 रुपीज़ में बहुत ही प्यारी थी। फिर हमको 100 रुपीज़ का एक स्टॉल दिखा जिसमें हाई नेक वगैरह थे, इसमें बहुत सारी वुलन स्वेटर्स थी अलग अलग कलर की, बहुत प्यारी प्यारी थी 100 रुपीज़ में। ये ऑरेंज कलर की एक स्वेटर थी, वो मुझे पसंद आई थी बट मैं लिया नहीं। अब मुझे ज़्यादा ज़्यादा देख देख के दिक्कत हो रही है कि यार अभी इतने अच्छे अच्छे हमने उस समय ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए, हमने काफ़ी ज़्यादा जगह वीडियो ही बनाते गए। मुझे ये भी बड़ी प्यारी लग रही है, तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी थी, बट ये है कि अगर आपका फोकस है तो फोकस रखो। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें मिला एक स्टॉल, ये 50 रुपये की तीन आपको सर्टिन की रबड़ दे रहे थे, तो बहुत ही क्यूट रबड़ थी ये। फिर हम आगे बढ़े, हमको मिला ये 200 रुपीज़ का स्टॉल जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे कार्डिगन थे और बहुत ही प्यारे प्यारे टी शर्ट्स और टॉप थे, विंटर वुलन टॉप वगैरह, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉप थे। तो ये 250 रुपीज़, 200 रुपीज़ में थे कोई भी। फिर आगे हम बढ़े तो ये 250 रुपीज़ का जो स्टॉल मिला, इसमें हमारी समर्स ड्रेसेस थी, काफ़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, पीछे भी आगे भी सारे कॉटन कॉटन के ड्रेसेस थी और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर की ड्रेसेस थी। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, हमको एक और स्टॉल मिला जहाँ पे 200-250 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी जूतों की। फिर ये एक स्टॉल मिला जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स थे एंड डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इयररिंग्स थे जो हमको पसंद आए थे। फिर हम आगे बढ़े तो हमें 500 के एक स्टॉल मिला जिसमें काफ़ी सारी ड्रेसेस थी 500 की। फिर आगे हमें 250 रुपीज़ की प्लाजो की सेल मिली एंड इसमें 100 रुपीज़ के टॉप भी थे, और यहाँ पे 250 रुपीज़ की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टॉप की सेल लगी हुई थी, काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी इसमें टॉप की। और उसके बाद हमें ग्लासेस मिले बहुत सारे, इसमें मैंने एक ट्राई भी किया था ये जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है तो बट लिया नहीं। फिर हम आगे बढ़े तो हमें मिला 250 रुपीज़ का ये स्टॉल जिसमें बहुत प्यारी प्यारी स्वेटर्स रखी हुई थी, हमारे भी काम आएगा। मेट्रो की लाइन गाइस यहाँ तक, चलो फिर चलो चलो दीदी प्लीज लगा दो, दीदी दीदी प्लीज लगा दो, दीदी दीदी प्लीज यार, अरे आपको नहीं लगा सकते, हटिए आप हटिए, कौन आप बाहर चलिए, बैक टू होम। हालत खराब है, मेट्रो की लाइन खरीदा कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यार बीच में नहीं गुजरे हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई तो बहुत भीड़ हो रही है आज तो भयंकर, कुछ तो डिस्कशन चल रहा है इनका, वो बोले सेकंड गेट से आओ बोल रहे हैं शायद, बहुत खतरनाक है गाइस, टू मच रहा सर शायद हमको, वो कुछ बोल रहे हैं देख भाई, क्या खतरनाक रश हो रहा है भाई साहब, ये देखो डैम ऐसे भरा हुआ है ना, खचा खच भरा हुआ है, खचा खच भाई, क्या ट्रैफिक है ब्रो,
ये पूजा तो अलग ही लगेज लेके लगी लगी पड़ी है। आपकी बहनी कहाँ गई? गाइस कल भी इसी रात में आए थे ना, आज शायद थोड़ा सा जल्दी है उससे, बट हालत टाइट हो गई हमारी, आ गए हमें कुछ नहीं मिला सरोजनी में भी, भाई थोड़ा सा कुछ लिया है बस, बस और घर पहुंचो और ख़त्म करो ये सब। बाय गाइस बाय, हम बस वीडियो बनाई है वहाँ ले, बाय हमने सिर्फ वीडियो बनाई है आपके लिए, बस आपको दिखाने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं दिखा है ना, और दो घंटे गाली खाई है वीडियो बनाने के चक्कर में। कंटिन्यू बाय।